भाई साहब अपन अभी जा रहे हैं मामा बाचा का मंदिर, बारसूर का ऐतिहासिक नगरी एक और मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि 1100 से 1200 ईस्वी पूर्व यहाँ पर लगभग 150 मंदिर और 150 तालाबें हुआ करती थी। तो गाइस देख सकते हो अभी का नज़ारा वर्तमान समय में। यहाँ देख सकते हो यहाँ के ग्रामीण लोग सब्जी उगाए हुए हैं, छोटे छोटे क्यारे में प्यारी प्यारी सब्जियाँ देख सकते हो। जस्ट मामा बाचा के मंदिर के बगल में ही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और सामने जो अलकाल का दिख रहा है गाइस, अपन मंदिर के नज़दीक पहुंच ही गए हैं। अपन अभी पहुंच चुके हैं मामा बाचा के मंदिर में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, इस गेट को खोल के अपन को अंदर जाना है गाइस। देख सकते हो दूर से कुछ इस प्रकार सा दिखता है। और इधर सामने में दुकान भी लगा हुआ है जो कि यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें मिलती है गाइस। देख सकते हो यहाँ पर दादी माँ बैठी हुई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप? क्या आप सब बढ़िया होंगे? बारसूर की नगरी बारसूर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आप देख रहे हो मेरे पीछे में मामा बाचा का मंदिर है। मैं इसी मंदिर को आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अंदर की ओर जाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बना है। तो भाई चलते हैं अंदर की ओर। गाइस देख सकते हो यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने के बाद कुछ इस प्रकार सा दिखता है। देख सकते हो मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ मंदिर का ऊपरी भाग। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये मंदिर पूरा पत्थरों से बना दिया गया है गाइस, देख सकते हैं। और कहा जाता है इस मंदिर को एक ही दिन में बना के तैयार किया गया था। इधर सामने में पूरा पत्थर बिछा दिया गया है और मंदिर के चारों ओर खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है गाइस, देख सकते हो। अपन अभी मंदिर के नज़दीक जाते हैं। यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाया गया है, देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और यहाँ पर कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया नज़ारा। ये मामा बाचा का खूबसूरत मंदिर देख सकते हो। अपन अभी अंदर की ओर जाएंगे। ये पूरा पत्थर से ही बना हुआ है, देख सकते हो सामने में गेट है, गेट में ताला लगा हुआ है गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में दो मूर्तियाँ स्थापित है, पहला गणेश जी का और दूसरा महिषासुर मर्दानी, जिसे स्थानीय रूप से दंतेश्वरी देवी कहते हैं, जिनका मूर्ति को अभी भी पहचाना जा सकता है। तो आप देख सकते हो ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। मामा बाचा के नाम से प्रसिद्ध इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का परिवार स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण दो शिल्पकारों ने मिलकर एक ही दिन में कर दिया था। ये शिल्पकार रिश्ते में मामा और बाचा थे, यही वजह है कि इस मंदिर को मामा बाचा मंदिर कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार बारसूर में गंगवंशी राजा का साम्राज्य था। राजा का बाचा कला प्रेमी था, इसने अपने मामा राजा को बिना बताए उत्कल देश से एक शिल्पकार को बुलाकर एक भव्य मंदिर बनवाने लगा। राजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे बड़ी ईर्ष्या हुई, उसने अपने बांझे को बुलवाकर प्रताड़ित किया। बांझा ने आवेश में आकर अपने मामा की हत्या कर दी। बाद में बांझे को काफ़ी पछतावा हुआ, पछताप के लिए उसने इस मंदिर में उसी की मूर्ति उसके सिर के आकार का बनवाकर स्थापित किया। अतः मामा की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद बांझे की मृत्यु के बाद मंदिर में भी उसकी स्मृति में मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रकार इन दोनों मूर्ति के कारण इसे मामा बाचा मंदिर कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसे प्राचीन शिव मंदिर होने की बात कहते हैं। इसके चबूतरे पर एक 13वीं शताब्दी के तेलुगु शिलालेख से मंदिर निर्माण की तारीख का पता चलता है। कुछ विद्वानों का दावा है कि 840 ईस्वी से पहले के गंगवंशी शासकों की राजधानी थी। अन्य यह तर्क देते हैं कि इसे नागवंशी द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 10वीं 11वीं ईस्वी में काकतीय द्वारा विस्थापित किए जाने से पूर्व लगभग 3 शताब्दी तक इस भूमि की अधिकतर भूमि पर राज किया था। माना जाता है कि बारसूर में इसके अच्छे दिनों में लगभग 150 मंदिर थे, उनमें से एक 11वीं शताब्दी का चंद्रादित्य मंदिर है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण सामंती सरदार चंद्रादित्य द्वारा कराया गया था। मंदिर के चारों ओर गार्डन बना दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही भव्यपूर्ण तरीके से। पीछे से मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा दिखता है गाइस, देख सकते हो ये ऊपर का नज़ारा अगर ड्रोन होता तो बहुत ही अच्छे से दिखता, देख सकते हो बहुत ही भव्यपूर्ण तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है।
बारसूर की ऐतिहासिक धरोहर कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें देखने के लिए हर साल दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कोई यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं तो कोई यहाँ के गौरवशाली इतिहास का जीवन नज़ारा देखने आते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ज्ञात पुरातात्विक स्थलों में से एक है बारसूर। यहाँ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में विद्वानों के बीच कोई एकमत नहीं है।